केजरीवाल कितना बड़ा चोर है, ये इतने हरामखोर है आम आदमी पार्टी के कुत्ते। मैं चुनाव या तो सुल्तानपुरी से लड़ूंगा या अरविंद केजरीवाल के सामने लड़ूंगा। और बसपा से बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है, हाथी के निशान से चुनाव लड़ूंगा। जय भीम साथियों, ये जिम का उद्घाटन है और ये मैंने अपने फंड से पूरी सुल्तानपुरी में 5 करोड़ रुपए के जिम लगाए हैं। और ये इतने हरामखोर है आम आदमी पार्टी के कुत्ते, ये काम मैं करवाता हूँ और बोर्ड लगा कर चले जाते हैं। अभी यहाँ कोई पार्षद है बेबी, उसने अपना बोर्ड लगा रखा था, हमने उद्घाटन नहीं किया था अभी, तो आज उद्घाटन कर रहे हैं। देख लो, ये सारे देश की जनता देख लो कि केजरीवाल कितना बड़ा चोर है। इसने ये कहा कि हमने फ्लाईओवर 25 फ्लाईओवर बनाए, एक भी फ्लाईओवर केजरीवाल ने नहीं बनाया, सारे के सारे उद्घाटन किए सिर्फ। ये इतना झूठा आदमी है, इससे बचने की जरूरत है आप लोगों को। केजरीवाल से बड़ा झूठा आदमी पूरे देश में नहीं मिलेगा राजनीति में। ये देखिए आप, इसमें सबल दिख रहा है कि MLA फंड से, मेरे फंड से बनाए गए हैं। ये आप लोगों को बताना इसलिए जरूरी है कि कुछ लोग बरगला रहे हैं, और नीचता की हद तो जब हो जाती है जब ये लोग नारियल भी फोड़ जाते हैं, माला पहन के भी घूमते हैं। बहुत सारे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है इस सुल्तानपुरी में, जितने काम आज तक 25 साल में नहीं हुए। पहले कांग्रेस का विधायक था, वो बड़े चिल्ला कहता मैंने किया, जितने काम मैंने करवाए हैं इस सुल्तानपुरी में आज तक काम नहीं हुए। 18 स्कूल बनवाए हैं, हर घर में हर गली में पानी की लाइनें, सीवर की लाइनें, 28 करोड़ की लागत से UGR बनवाया जो वाई ब्लॉक मंगोलपुरी के, यहाँ पर हर घर में पानी जाता है। 3000 CCTV कैमरे लगवा रहा हूँ, और सुल्तानपुरी के हर गली और गेट के सामने सुरक्षा गेट पर 14 करोड़ रुपए की लागत से अभी हमने होर्डिंग लगवाए। बताए इनका काला चिट्ठा के लोग कैसे हमारे काम को अपना काम बताते हैं। मेरा जो उद्देश्य है, जो लोगों ने मुझे मैंडेट दिया था 5 साल के लिए विधायक बना था, मुझे उस पर खड़ा उतरना है। आगे लोग जो तय करे कर ले, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लोगों का मन करेगा अच्छा लगेगा वोट देंगे, ना मन करेगा ना देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जो लोगों ने मेरे ऊपर एक कर्जा चढ़ाया था, मुझे यहाँ का विधायक बना था, मैं उसमें संपूर्ण रूप से कामयाब हुआ हूँ। और हर गली हर चौराहे पे CCTV कैमराज और गेट और स्कूल, जो बेसिक सुविधाएं होती है, पानी और सीवर का काम हमने सारे में करवाया है। और आप लोग देख सकते हैं, किसी और विधानसभा में चले जाओ आपको इतनी सुविधा नहीं मिलेगी। सुल्तानपुरी में कभी काम ही नहीं हुआ था जो हमने आने के बाद किया। और सबसे बड़ा काला चिट्ठा मैं बताता हूँ आपको, इस जय किशन का जो कांग्रेस का विधायक है, इंदिरा पार्क में हमने एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पास करवाया है 5 एकड़ में बनेगा, एक डिग्री कॉलेज पास करवाया है। जब वो प्लॉटों का पार्टीशन हुआ, दीवारें खड़ी करवाई थी, फोर्स खड़ी करके, पूरी फोर्स, सारी सुल्तानपुरी के लोगों ने देखा वो दीवार, उस हरामखोर ने हटवा दी वहां से, ताकि इस देश का, यहाँ का भविष्य, सुल्तानपुरी के बच्चे अच्छे से पढ़ ना पाए, क्योंकि इसके स्कूल और कॉलेज है खुद के। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, मेरे फर्क नहीं पड़ता भाई मैं विधायक बढ़ू चाहे ना बढ़ू, क्योंकि मुझे सामाजिक उसमें ही लगना। आप देखते हो सोशल मीडिया पे, मैं पूरा साल आंदोलन में रहता हूँ, पूरा जीवन हमने सब कांशीराम के मूवमेंट में लगाना है। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ, मैं चुनाव या तो सुल्तानपुरी से लड़ूंगा या अरविंद केजरीवाल के सामने लड़ूंगा। और बसपा से बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है, हाथी के निशान से चुनाव लड़ूंगा। तय आप लोगों ने करना है, हमने सब कांशीराम के मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। आज हम लोग 5 करोड़ रुपए की लागत से किए हुए जिम, बनाए हुए जिमों का उद्घाटन कर रहे हैं। ये ई ब्लॉक में है, ये बोर्ड आपने देखा, अभी बोर्ड फड़वाया मैंने उसका, जो पहले पार्षद था, जो उसने अपना बोर्ड लगा के यहाँ पर चला गया। तो आप लोग समझ लो, सुल्तानपुरी के लोग भी यहाँ पर है ना। हमने पूरी ईमानदारी से काम किया है, 5 साल पूरा लग के काम किया है, और आगे भी करते रहेंगे। आज भी हमारा ऑफिस सुबह से शाम तक खुला रहता है, और मैं आजीवन इस सुल्तानपुरी की जनता के बीच में रहूंगा और इनके लिए काम करूंगा। और एक बड़ी सूचना दे रहा हूं मैं, आप लोग भी सुन लो, मेरा जो ऑफिस है वहां पर हम लोग एक तारीख से एक कोचिंग सेंटर शुरू कर रहे हैं, जिसमें गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाएगा। SSC की और UPSC की जो कोचिंग है वो फ्री में दी जाएगी, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। वर्ल्ड क्लास उन बच्चों का एजुकेशन दूंगा, उसका सारा खर्चा हम लोग वहन करेंगे, जो समाज के लोगों में वहन करेंगे। जय भीम, जय मनोहर, सब काशीराम।